हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम लोग कर रहे हैं किचन की सफाई। एक्चुअली काफ़ी दिन से ना किचन गंदा हुआ पड़ा था और टाइम नहीं मिल रहा था एकदम साफ़ करने का, क्योंकि फ्री होने के बाद राशि को संभालना होता है, फिर राशि के बाद वापस कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहता है। और छोटे बच्चे होते हैं तो ऑब्वियसली काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है। तो बस किचन की सफाई करनी थी और आज गोलू ने ठान लिया था कि आज शुरुआत करके रहेंगे। तो फिर क्या, गोलू ने शुरुआत की और फिर हम दोनों लग पड़े थे। तो बहुत ही डीप क्लीनिंग हो गई थी, मतलब काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और सबसे ज़्यादा ना किचन में गंदा कुछ होता है तो ये होता है किचन का नेट, ये बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि पूरा ऑयल आके ना यहाँ पे जमा हो जाता है और उसकी वजह से ना इस पर ही हम लोग को ज़्यादा मेहनत लग गई है। तो सोचा था कि अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो दिवाली पे ना थोड़ा सा कम रहेगा, सिर्फ डस्टिंग करनी रह जाएगी। तो बस टाइम मिला थोड़ा तो हम लोगों ने कर लिया और आशीष सोई हुई थी तो इसीलिए हम लोग लग पड़े थे। तो ये नेट साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ गर्म पानी, मतलब एकदम गर्म पानी जो होता है ना उसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला था और फिर ब्रश से रगड़ दिया था और ये एकदम साफ़ हो गया था। मतलब मेहनत तो लगी जाती है पर हो गया था साफ़। उसके बाद फिर पूरी टाइल्स अच्छे से रगड़ रगड़ के धोई और सब पूछ के एकदम साफ़ कर दिया था। वैसे तो डेली कर लेना चाहिए किचन की सफाई, क्योंकि डेली होने से किचन में गंदगी नहीं जमा होती है। पर वो डेली ही रहता है ना, वो ही टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना कि छोटे बच्चे की वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा ना गंदगी हो जा रही है, पहले नहीं रहती थी इतनी गंदगी पर अब हो जा रही है। तो बस हम दोनों ने मिलके पूरा साफ़ किया अंदर से बाहर से और सारी साफ़ सफाई हो गई। और फिर उसके बाद पाइप लगाया और पूरा किचन जो था वो हम लोगों ने धो डाला। तो कई कई जगह पे पानी चला गया था, मतलब डब्बों वब्बों पर, तो वो सब भी पोंछ दिए थे। और फिर किचन साफ़ हो गया था, प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ हो गया था, टाइल्स भी सब साफ़ हो गई थी। फिर थोड़े से बर्तन थे वो फिर गोलू ने सारे बर्तन धो दिए और मैंने इधर बोर्ड को क्लीन कर दिया था। और फिर मिक्सर भी थोड़ा गंदा हो रखा था क्योंकि अभी लगातार कुछ ना कुछ उस पर पीसा ही जा रहा है तो वो भी काफ़ी गंदा था। तो बस मैंने उसको भी साफ़ कर दिया और इधर सारी गंदगी आके सिंक में ही पड़ गई थी। तो बर्तन कुछ ज़्यादा गंदे हो गए थे जिनको कुछ ज़्यादा रगड़ रगड़ के धोना पड़ा था, एक्स्ट्रा मतलब मेहनत लग गई थी। तो ये सब करते करते ही शाम हो गई थी और फिर उसके बाद चाय का टाइम भी हो गया था। तो बस गोलू इधर बर्तन धो रही थी तो मैंने सोचा मैं तब तक चाय बनने रख देती हूँ। तो मैंने चाय बनने रख दी थी और साथ ही में मैंने रिद्दू के लिए दूध भी रख दिया था। और आशी सोई थी इसीलिए हम लोग किचन में आए थे, पर आशी थोड़ी देर में उठ गई थी तो फिर वो उसको मम्मी लेके बैठी हुई थी और पूजा का टाइम भी हो रहा था। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी करना था क्योंकि पूजा भी करनी थी मम्मी को। तो बस हम लोगों ने अपना पूरा किचन उचन क्लीन कर लिया था और चाय बन गई थी। और यहाँ पे जितने भी मतलब गंदगी है फिर सब नीचे थी। उसके बाद मैंने चाय बना के सबकी चाय वाय छान दी थी, रिद्दू का दूध भी निकाल दिया था और बर्तन भी धुल चुके हैं। तो फिर गोलू ने किचन में नीचे भी पानी डाल के पूरा धो दिया था और बाकी का जो मतलब बाहर भी गंदगी हो गई थी किचन के बाहर जो पाइप हम लोगों ने डाला था, फिर मैंने जाके बाहर भी पूरा धो दिया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पीने बैठ गए थे। साइड से मैं वाला खाऊ।
आरती के बर्तन में चैन नहीं मिलने वाले की जैसा हम सोच रहे हैं, तो हम आरती के बाहर लेकर और हम लोग यहाँ पे अपनी चाय पी रहे थे और काफ़ी सारी गॉसिप्स कर रहे थे। मतलब यही टाइम होता है कि बैठ के थोड़ा सा आपस में बात बात कर लेते हैं, तो बस वही हम लोग की गॉसिप्स चालू थी। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी रिद्दू को होमवर्क कराने के लिए, और रिद्दू को होमवर्क कराने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो बस रिद्दू के दर में होमवर्क करवा रही थी और आशी मुझे परेशान कर रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने रिद्दू को होमवर्क करवा लिया, और करवाने के बाद रिद्दू चला गया था बाहर। मतलब उसने रिटर्न होमवर्क ही किया था अपना, तो बस वो बाहर चला गया था। फिर मैं इधर बेडिंग कर रही थी। मुझे दिन में कम से कम 3 से 4 बार मैं करती हूँ, और कभी कभी तो होता है कि दिन में 3-4 बार बेडशीट भी चेंज करनी पड़ जाती है, और बेडशीट चेंज ही करनी पड़ती है क्योंकि आशी दिन भर पॉटी सुसू कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और आज तो उसने बेड पे पॉटी भी कर दी थी, वो भी बहुत गंदी वाली की थी, तो बस उसी की वजह से फिर मैंने पूरा चेंज किया। बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो गई थी आज, तो मैंने दिन भर मैंने आज लगाई भी नहीं थी बेडशीट, छोड़ दिया था। और यहाँ पे आरो लग रहा था, मतलब मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ दिन पहले अपने ब्लॉग में कि आरो आया हुआ है, तो आया था पर लग नहीं पाया था तब से। और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ही लोग ट्राई कर ले लगाने का, तो इसमें ना काफ़ी कुछ मतलब असेंबल करना था जो कि हम लोग के बस का नहीं था, तो बस ये अंकल आए थे, ये हम लोग के नेबर हैं, तो इनको ही हम लोगों ने बुलाया था, और फिर इन्होंने अच्छे से इसको पूरा मतलब लगा दिया था। और इस टाइम पे यहाँ पे गोलू भी खड़ी थी लगवाने के लिए, क्योंकि मैं तो रिद्दू को होमवर्क करवा रही थी, मम्मी पापा पूजा कर रहे थे, और ये पूजा करने का टाइम भी था इस टाइम पे, तो फिर बस यहाँ पे ये लगा रहे थे और अंदर मैं अपना काम कर रही थी। फिर अंकल लगा के चले गए थे, तो किचन में आज जितनी सफाई की थी उतनी ज़्यादा गंदगी भी हो गई थी, क्योंकि रिद्धू आया था किचन में, और उसने पूरे प्लेटफॉर्म पे और फायर स्पेस सब पे ना बॉर्नविटा गिरा दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो गई थी, वो चिपक के एकदम बेकार हो गया था। और फिर यहाँ आरो भी लगा था, तो उसकी वजह से भी एकदम गंदगी हो गई थी, मतलब हो ही गई थी काफ़ी गंदगी। फिर उस साफ़ वाफ किया दोबारा से सब, और जितनी बॉटल्स थी सुबह से बॉटल्स नहीं भरी थी मैंने, तो सारी बॉटल
मैंने अच्छे से धुल दी थी, और फिर धुल के मैंने सब बॉटल भर के फ्रिज में रख दी थी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल होने रख दिया था, क्योंकि आज मैं बनाई थी साबूदाने की खिचड़ी। तो आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं और मैंने अब स्टार्ट कर दिया बनाना। तो मैंने कढ़ाई रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, और फिर उसमें मैंने डाला है जीरा और हरी मिर्च। हरी मिर्च जितनी आपको खानी है उतनी आप डाल सकते हैं। और जो आलू थे उसको मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया था। आलू मम्मी ज़्यादा नहीं पसंद करती हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। तो आलू डालने के बाद जब आलू थोड़े से गोल्डन कलर के हो जाए, तो उसमें मैंने टमाटो चॉप करके डाल दिए थे। टमाटो जितने रहेंगे उतना अच्छा टेस्ट करेगा, तो टमाटो डाला। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था सेंधा नमक। और जब तक ये मतलब टमाटो एकदम वो हो जाए, मतलब एकदम गायब से हो जाए, एकदम अच्छे से मैश हो जाए, तब तक के लिए इसमें टमाटो को छोड़ना है। क्योंकि ना मेरे हस्बैंड टमाटो एकदम नहीं पसंद करते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसको गलाना पड़ता है अच्छे से। जब एकदम गल गया तो फिर मैंने उसको उसमें मिक्स कर दिया था अच्छे से आलू में। और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो मैंने साबूदाना सोख करके रखा था। तो मैंने साबूदाना दोपहर में भिगो दिया था, तो ये अच्छे से काफ़ी अच्छे से सोख हो गया था। जब साबूदाना अच्छे से सोख हो जाता है ना, तो उसको दबा के देखेंगे तो अपने आप ही टूट जाएगा। तो बस वो हो गया था, मतलब गीला नहीं होना चाहिए, गीला होगा तो पूरी खिचड़ी गीली हो जाएगी। और फिर मैंने मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, पूरा अच्छे से नहीं उसको पीसना है, बस हल्के एक बार घुमा के बंद कर देना है जार। और बस फिर उसके बाद मैंने इसमें मूंगफली डाल दी थी, और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर भी डाल दिया था। तो इसको मैंने ढक के छोड़ दिया था कि जो साबूदाना है उसको थोड़ा सा पक जाए। और उस तरफ छोटी कढ़ाई मैंने रखी थी, उसमें मैं रिद्धू के लिए सब्जी बना रही थी, क्योंकि रिद्धू को सब्जी रोटी खानी थी, तो बस उसी के लिए मैं सब्जी बना रही थी। और इधर फिर गोलू आई और उसने टमाटो ग्रीन चिली अदरक इन सब का एक प्यूरी रेडी की, मतलब प्यूरी भी नहीं थी, बस वही पीसा और उसमें डाल दिया, इससे टेस्ट इसका और बढ़ गया था। तो इसमें डाल के मिक्स कर दिया था और काफ़ी चटपटा बन गया, बना था ये। और फिर ये सब मतलब ये डालेंगे अच्छे से उसने मिक्स कर दिया था कि पूरा, क्योंकि ये पकी गई थी खिचड़ी तो लास्ट में आके पड़ा था, तो फिर थोड़ा सा और देर के छोड़ना था। तो अच्छे से उसने डाल के और फिर उसको ढक दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डाल के इसकी वो हरी धनिया वापस से डाल दिया था, और उस ये फिर ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था कि अच्छे से हो जाए। और उधर मैंने रिद्धू की सब्जी बनने के बाद फिर उसी में मैंने पापा की भी सब्जी बना दी थी। और उधर मैंने कुकर रखा था, उसमें बना रही थी तैयारी अपने लिए, हिमांशु के लिए और गोलू के लिए, हम तीनों के लिए, कि हम लोग का रोटी सब्जी खाने का मन नहीं था, तो बस अपन तीनों के लिए तैयारी बना रही थी। और फिर इधर गोलू ये सैलेड कट कर रही थी, क्योंकि अब खाने का टाइम उन लोग का हो ही गया था और खिचड़ी भी रेडी थी, तो इसीलिए सैलेड कट कर रही थी और खिचड़ी मेरी बन के रेडी थी। तो मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, और फिर मैंने कान्हा जी को और दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए निकाल दिया था। तो फिर मैं उन लोग को भोग लगा के आई, और उसके बाद फिर मैंने बाकी लोगों के लिए भी, मतलब मम्मी के लिए और सोनू के लिए भी मैंने निकाल दिया था। तब तक सैलेड भी कट हो रहा था, और रिद्धू की भी और पापा की दोनों की सब्जी बन के तैयार थी। फिर मैंने चटनी पीस ली थी, तो चटनी मैंने धनिया टमाटर अदरक और हरी मिर्च और सेंधा नमक घी डाल के पीसा था, क्योंकि इसके साथ में चटनी अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब टेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है। तो बस मैंने इन लोग का निकाल दिया था फलहार, मम्मी का और सोनू का, इन लोग को देखे मैं आ गई थी, तो ये लोग खा रहे थे। फिर इधर मैं अपना तहरी बना रही थी, तो बिना प्याज लहसुन का तो खाना बनाना है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि नवरात्रि में टाइम ही नहीं लगता है बनाने में, मतलब बिना प्याज लहसुन का बनाना होता है तो फटाफट से बन जाता है। और बस इधर बन रहा है, और फिर हिमांशु आया था पूछने के लिए कि क्या खाना बन रहा है। तो हिमांशु का बहुत फेवरेट है तहरी, हिमांशु को बहुत पसंद है। तो और मेरी तहरी बन चुकी थी, बन के तैयार थी, और उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। आटा मुझे सिर्फ पापा के लिए और रिद्धू के लिए गूंदना था, क्योंकि रिद्धू तहरी नहीं खाता, उसमें थोड़ी सी मिर्च थी, और पापा भी एकदम पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए पापा के लिए फिर मैंने आटा थोड़ा सा गूंदा। और सब्जी बनी चुकी थी, उसके बाद मैंने इन लोग के लिए रोटी बनाई, और दोनों लोग को रोटी देती गई, और ये लोगों ने खा लिया था,
और उसके बाद फिर मैंने रोटी टफी के लिए बनाई थी लास्ट में दो, और यहाँ पे आशी को गुलू वो खिला रही थी साबुदाना खिचड़ी जो बनाई थी, तो उसमें मतलब तीखा तो था पर वो मतलब मसाले ना उसके उतार उतार के उसको खिला रही थी, तो हेल्दी भी होता है साबुदाना, बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आशी को पसंद आया था तो बस आशी को भी यही खिला दिया था। आज मैंने उसके लिए कुछ भी डिनर नहीं बनाया था क्योंकि उसके लिए मैंने स्पेशली बनाती हूँ डेली, तो आज उसके लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया था। आज उसने यही मतलब कितना खाते ही हैं बच्चे तो थोड़ा सा खाया था और वो उसका टमी भी फुल हो गया था, तो आशी का यही हो गया था और इधर मेरा जो खाना था वो पूरा बन के कम्प्लीट हो गया था। फिर सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, फिर उसके बाद मैंने अपना हिमांशु का और गोलू का हम तीनों का भी निकाला, फिर हम तीनों लोगों ने भी खा लिया। उसके बाद फिर मैंने मैं आई किचन में और पूरा किचन मैंने वापस से क्लीन कर दिया था, और पूरा गैस चूल्हा प्लेटफॉर्म सब मैंने पोंछ दिया था, और जितने भी बर्तन धुल रहे थे सब मैंने निकाल के सिंक में रख दिए थे, और फिर सारे बर्तन मैं धुल रही थी, उधर आशी परेशान कर रही थी अपनी बुआ को, तो बुआ आशी को संभाल रही थी और इधर मैं सारे बर्तन फटाफट से धो रही थी क्योंकि टाइम तो हो ही गया था अब आशी के सोने का, तो आशी को नींद आ रही थी। बस यहाँ पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।